तो सबसे पहले हम बेसन लेंगे, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको जितने लोगों का बनाना है। मैंने 4 कप बेसन लिया, फिर उसको प्याज कट करके इसमें मिलाया। इसके बाद हम नमक लेंगे, थोड़े बहुत मसाले लेंगे, सब्जी मसाला ले सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेगा, क्योंकि प्याज की पकौड़ी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टडा, और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले आप पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं।